हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इट्स माय व्लॉग्स। और आपका इट्स माय व्लॉग्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम लोग ऐसी कार मार्केट आए हुए हैं जहां पे सभी तरीके की गाड़ियां अवेलेबल हैं। चाहे आप लोग एसयूवी सेगमेंट के लीजिए, चाहे हैचबैक सेगमेंट के लीजिए, और चाहे सेडान सेगमेंट के लीजिए, और चाहे लो बजट की गाड़ियाँ लीजिए, चाहे हाई बजट की, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। जहाँ पर शॉप का नाम है J24 कार्स। ये पहले निराला नगर में पड़ता था, जो कि आप लोग शोरूम देखे, वहाँ की भी वीडियो बनाए थे। अभी ये शोरूम वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, अभी दूसरी जगह आ गया है, जो कि सीतापुर रोड पर पड़ता है, हाथी बाबा मंदिर के पास में, डालीगंज क्रॉसिंग के पास में। आप लोग अगर एड्रेस ना जान पाए तो डालीगंज क्रॉसिंग के पास आ जाइएगा, आप लोग को वहां से रिसीव कर लिया जाएगा। आप लोग को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आप लोग को सारी गाड़ियों का कलेक्शन दिखाएंगे, तो चलिए वीडियो। गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भैया हमारे व्यूअर्स को हेलो बोल दीजिए। हेलो भाई। ओके, आपका नाम? मोहम्मद शमशाद। ओके, और शॉप का नाम भैया? J24 कार। हाथी बाबा मंदिर के पास में आप लोग को ये शॉप मिल जाएगी, जो कि सीतापुर रोड पर है, त्रिवेणी नगर सेकेंड। आप लोग डालीगंज क्रॉसिंग के पास आ जाइएगा, आप लोग को यहाँ पर रिसीव कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को आने में। और भैया आज हम लोग कलेक्शन कौन कौन सा दिखाने वाले हैं? भाई मैं आज के दिन दिखाऊंगा अल्टो केटन है, अल्टो 800 है, और बाकी फिर लग्जरी गाड़ियों में हम दिखाएंगे आज आपको। ओके भैया, और बाकी आपके वहाँ लो बजट से लेकर हाई बजट की भी गाड़ी अवेलेबल होती है? वो भी है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो हमारी आज की जो सबसे पहली गाड़ी है अल्टो की केटन है भैया। केटन है। ओके, सिल्वर कलर की जी। कौन से ईयर का मॉडल है भैया? 2014 मॉडल है, VXI। 2014 मॉडल है, VXI है, यानी टॉप मॉडल है जी। ओके, ओनली पेट्रोल है जी, फर्स्ट ओनर है, 30,000 चली हुई है। 30,000 जी, ऑन रिकॉर्ड भी 30,000 चली हुई है। मॉडल आपने बताया? 2014 मॉडल। 14 मॉडल से अभी तक 30,000 चली, ऑन रिकॉर्ड चली होगी जी। ओके, और बाकी पूरा पेंट ओरिजिनल है भैया? पूरा ओरिजिनल है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं टचअप करवाइए, बस टचअप करवाइए। ओके, माइलेज क्या जाता है इसका? माइलेज इसका आपको 15-16 का सिटी में मिलेगा, बाकी हाईवे पे आपको 18-19 का मिलेगा। 18 से 19 का हाईवे पे मिल जाएगा। मेंटेनेंस? मेंटेनेंस का ज़्यादा हाई नहीं होता है, बहुत लो होता है इसका, पहले मारुति की गाड़ियों का मेंटेनेंस बहुत लो होता है। ओके भैया, हाँ, और बाकी पूरी प्रोफाइल तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी बेस्ट कंडीशन में है। और साइड में आप लोग को व्हील कैप, एलॉय व्हील्स जैसे मिल जाएंगे। और आस्किंग क्या है भैया? ये आपको पड़ेगी 2,35,000 की। 2,35,000 इसमें भी कम हो जाएगा? नहीं बिल्कुल, जब सामने जब आप बैठेंगे तो 10-15,000 का जो छोड़ना है वो हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारी कौन सी भैया? अल्टो 800 है। अल्टो 800। ओके, इसमें भी LPG या CNG कुछ है? ये आपकी CNG फिटेड है। CNG फिटेड है ना जी। ओके, 2015 मॉडल। वेरिएंट? वेरिएंट सेकंड टॉप है। सेकंड टॉप है, यानी कि LXI। ओके, और बाकी भी अगर इसकी बॉडी लाइन की बात कर ले तो पूरे ओरिजिनल है? ये भी पूरा ओरिजिनल है, कहीं कहीं इसमें टचअप वगैरह करवाया है। टचअप इसमें भी है जी। और बाकी भी मॉडल आपने कौन सा बताया? 2015 का मॉडल। इसमें फंक्शन कौन कौन से मिल जाएंगे? इसमें फंक्शन आपको दो पावर विंडो मिल जाएंगी, AC मिल जाएगी, सब इसमें ओके होता है, बस खाली पावर विंडो में दो चीज़ नहीं होती हैं, पावर विंडो और आउट ऑफ साइड मिरर नहीं होगा। ओके, चलिए कितनी है भैया? ये आपके चलिए 60,000। 60,000 जी, ऑन रिकॉर्ड जी। ओके, ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर है जी। अगर टायर की बात कर ले तो कितने परसेंट मिल जाएगा? टायर आपको इसमें लगभग 35% माल है अभी। 35% टायर है। ओके, सीट कवर्स कंपनी फिटेड? नहीं, वो तो सब बाहर से लगता है। बाहर से लगे जी। ओके, अवेलेबल कितने में? ये आपको डिमांड है इसके 3,00,000 की, बाकी जब आप इसको आके देखेंगे जो 10-15-20,000 की जो गुंजाइश होना है वो आपके सामने हो जाएगी। ओके भैया, 3,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है, वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी भैया? नेक्स्ट गाड़ी आपकी ईऑन है। ईऑन है, जो कि चेरी रेड कलर की है। नेक्स्ट गाड़ी भैया हमारी ईऑन है। ईऑन है, जो कि चेरी रेड कलर की है जी।
ओके भैया, इसमें फॉग लैंप नहीं मिलेगी? नहीं, ये सेकंड टॉप मॉडल है, एरा। एरा है जी। ओके, एक आती है भैया एरा प्लस। एक एरा प्लस आती है, फिर इसके बाद मैग्ना आती है, इसके बाद स्पोर्ट आती है। ओके, ये सबसे नीचे वाला मॉडल है एरा जी। ओके, हुंडई की है। इसका भैया मेंटेनेंस कॉस्ट क्या उनका आता है? मेंटेनेंस वही जो मारुति का था, वही इसका आता है। ओके, लगभग सेम ही है जी। ओके, मॉडल? मॉडल 2017 मॉडल है। 2017 बाहर सीएनजी लगी हुई है, जो पेपर पे चढ़ी हुई है। ओके भैया, मतलब इसमें सीएनजी लगी है जी। ओके, और कितनी चली हुई है ये? आपके चली हुई 40,000 किलोमीटर। ओके, यूपी 32 नंबर की ये भी गाड़ी, और रजिस्टर्ड भी है लखनऊ में जी, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर फंक्शंस की बात कर ले इसमें, तो इसमें फंक्शन आपको सब मिलेगा, एसी, पावर स्टीयरिंग सब मिलेगा, पर पावर विंडो इसमें आपको नहीं मिलता है। पावर विंडो इसमें नहीं मिलेगा। ओके, और बाकी भी चली कितनी हुई है? चली 40,000। 40,000 जी। ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट ओनर है। ओके, और इसके भी इसमें भी टचअप है? इसमें खाली थोड़ा बहुत इधर उधर टचअप करवाया है, ज़्यादा इसमें टचअप नहीं है। इसमें भी कितने परसेंट टायर मिल जाएंगे? इसमें आपको क्या टायर लगभग मेरे करके 50% है। 50% टायर हैं जी। अभी भी कितनी चल जाएगी भैया? अभी भी लगभग ये आप नहीं करके 50,000 आराम से चला सकते हैं। 50,000। ओके, अवेलेबल कितने में? ये डिमांड इसके 285,000 है। जब आप सामने बैठेंगे इसमें भी 10-15,000 की छूट होगी। नेक्स्ट गाड़ी हमारी भैया? नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा रहे हैं सियाज। सियाज, ओके, चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। कौन से ईयर का मॉडल है भैया? 17 मॉडल है। 2017 मॉडल, DDIS इंजन पे हो जाएगी। वेरिएंट कौन सा है? 2017 का मॉडल है, और इसमें पूरी क्रोम किट भी लगी हुई है भैया। सब इसमें लगा हुआ है आपका, इसमें आपको एक रुपया लगाना नहीं है अलग से। ओके, अगर फंक्शंस की बात कर ले तो चारों पावर विंडो मिल जाएंगे आपको, मिलेगा ये वीडियो में सब चीजें होती हैं। ओके, डीजल वेरिएंट इसमें भी है? सीएनजी या पेट्रोल कुछ है? केवल डीजल है। केवल डीजल है जी। ओके, और फंक्शंस में चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, पीछे भी एसी मिल जाएगी, आगे मिल जाएगी, मिलेगा इस पे। ओके, और बाकी पूरा तो आप लोग प्रोफाइल देख रहे हो, और कंपनी फिटेड भी सिस्टम है भैया? सब कंपनी फिटेड है इसमें। ओके, और लेदर फिनिश सीट कंपनी की ही है कि बाहर से लगी? ये सब तो बाहर से आदमी अपने मेंटेनेंस पे लगाता है, मेंटेनेंस के लिए। ओके, और बाकी तो यूपी 32 नंबर की ये भी गाड़ी है, कितनी चली हुई है भैया? ये आपके लिए चली है 60,000 कुछ चली हुई है। 60,000 कुछ चली हुई है। ओके, और बाकी आप लोग को फॉग लैंप भी इसमें मिल जाएगा। ओनरशिप क्या आ जाती है भैया? ओनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर जी। अवेलेबल कितने में? ये आपको वो पड़ेगी 7.5 की। 7.5 की। और एयरबैग्स कितने मिल जाते हैं इसमें? इसमें एयरबैग दो होते हैं। दो एयरबैग जी। 7.5 लाख इसकी डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। हो जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी हमारी डिजायर है भैया, जो कि सुजुकी की ही है जी, वो भी है। ओके, वेरिएंट कौन सा है? 2018 जी। कौन सा भैया? VDI है, यानी डीजल जी। ओके, इसमें क्रोम किट पूरी लगी हुई है। इसमें भी पूरी लगी जी। इसमें भी आपको कुछ कराना नहीं है, बस आपको चलाना है। ओके, और आप लोग को क्रोम की फिनिशिंग ग्रिल पे भी मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। और भैया यूपी 32 नंबर की ये भी गाड़ी है, फॉग लैंप भी इसमें मिल जाएगा, DDIS इंजन पे ये भी है, चारों पावर विंडो इसमें मिल जाएंगे। ओके, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, और लेदर फिनिश सीट मिल जाएगी। ओके, इसका माइलेज की बात कर ले तो क्या जाता है भैया? इसका भी माइलेज 20-22 का जाता है आपका, 20-22 का इसका माइलेज है। ओके, इसकी ओनरशिप? इसकी ओनरशिप सेकंड है। सेकंड ओनर है जी। ओके, और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी क्या जाती है? इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर जाएगी तो अगर बाहर करवाएंगे आपको 3-3.5 हज़ार की जाती है, अगर कंपनी लेके आते हैं तो 5.5-6 के आसपास जाती है। ओके, और बाकी अवेलेबल कितने में है? ये डिमांड इसकी 7.5 रखे हुए हैं, बाकी जब सामने आप बैठेंगे तो जो भी 20-25 हज़ार का होना होगा जो सामने हो जाएगा। मॉडल आपने बताया भैया? 2018। उस वक्त में नई कितने की आती थी? नई आ रही थी 9,80,000 की। 9,80,000 की, आपके पास 7,50,000 की अवेलेबल है। ओके, मतलब कि 2,00,000 रुपये में डिस्काउंट है इसमें जी, और इसमें भी जब आएंगे तो कम हो जाएगा 7,50,000 में जी, बिल्कुल। ओके, इसका ओल्ड सेफ चलिए दिखा देते हैं। नेक्स्ट डिजायर वही है। ये कौन से ईयर का मॉडल है भैया? ये 2016 मॉडल। 2016 का मॉडल। ओके, ये कितनी चली हुई है? ये आपके 75,000 चली हुई है। 75,000 ये भी है, फर्स्ट ओनर है जी। इसके भी बम्पर स्पेंट है? इसमें थोड़ा बहुत टचअप हुआ है, अगला बिल्ला बम्पर और स्लेटिंग होती है। ओके, और इसके अलावा भैया कितने पार्ट स्पेंट है? इसमें ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ओके, और बाकी आप लोग को साइड मिरर्स पे इंडिकेटर मिल जाएगा भैया? आउट ऑफ फोल्ड साइड मिरर है जी। ओके, लेदर फिनिश सीट है, और चारों पावर विंडो इसमें भी है? इसमें चारों पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है। ओके, पावर ब्रेक, म्यूजिक सिस्टम है। ओके, और बाकी पूरी प्रोफाइल आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये भी गाड़ी है। यहाँ पे भैया जितनी भी गाड़ी होगी एकदम श्योर होगी कि एकदम परफेक्ट गाड़ी है सारी, पूरी 100% गारंटी मेरी होगी गाड़ी में, कोई काम निकलता है तो घर से वापसी होती मेरी। ओके भैया, इंजन से कोई छेड़छाड़ नहीं है? नहीं, इंजन से कोई छेड़छाड़ नहीं है, अपना मैकेनिक बुला के आप चेक करा सकते हैं यहाँ पे। ओके, कितनी चली हुई है? ये आपकी 75,000 चली हुई है। 75,000 ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है जी। ओके, कितने प्राइस है?
इसकी डिमांड रखे हुए 6 लाख, बाकी 6 लाख जब बैठेंगे आप इसमें भी 10-15-20 हज़ार लग छूट मेरी। ओके, और बाकी जो दूर से आएंगे उनके लिए और भी कम हो जाएगा? और भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं, वैगनार। वैगनार, ओके वैगनार भैया, जैसा कि आपने बताया वाइट कलर की है, साइड मिरर्स भी बॉडी कलर के ही मिल जाएंगे। ओके, ये कौन से का मॉडल है भैया? ये 2016 मॉडल है, VXI ऑटोमेटिक। 2016 मॉडल VXI है, ऑटोमेटिक है। ओके, टॉप मॉडल भैया जी। ओके, कमर्शियल नहीं है भैया, प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। ओके, और चली कितनी हुई है ये आपकी? चली है 40,000 कुछ चली हुई है अभी, 40,000 ऑन रिकॉर्ड चली हुई है। मॉडल आपने बताया 2016 है, अभी तक 40,000 चली हुई है। ओके भैया, इसमें जो इंटीरियर है ओरिजिनल है पूरा कि भी आफ्टर मार्केट इसमें लगाए गए? नहीं, इसमें बाहर से कुछ नहीं लगा, बस सीट कवर वगैरह थोड़ा बहुत आदमी लगवाता है बाहरी से, कंपनी से बहुत कम लगवाते हैं आदमी। ओके, अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें फंक्शन में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, आपको चारों पावर विंडो, AC, पावर स्टीयरिंग सब इसमें पावर ही है। ओके, आउटो फोल्ड साइड मिरर नहीं है? नहीं, वो मैनुअली है, वो मैनुअल रखते हैं। ओके, और बाकी भी अगर टायर की बात कर ले इसमें कितने परसेंट मिल जाएंगे? इसमें भी आपका लगभग 35-40% माल है इसमें, 35-40% ये आपके 40,000 तक टायर चलेगा आराम से। ओके, और फॉग लैंप भी इसमें मिल जाएगा? सब इसमें है। ओके भैया, ओनरशिप इसकी क्या है? ओनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है जी। ओके, अवेलेबल कितने में? ये आपके डिमांड आपको 4,10,000 की है। 4,10,000 जी। इसमें भी टचअप है जी, थोड़ा बहुत टचअप हर गाड़ी में मिलेगा आपको, जो स्केच वगैरह होते हैं उसके बाद जैसे करवाना पड़ता है। ओके, 4,10,000 इसकी भी डिमांड है, बाकी के ये भी कम हो जाएगा। यहाँ पे जितने प्राइस आपको बताएंगे वो भैया सारे नेगोशिएबल होंगे, वो भी कम हो जाएगा जी। नेक्स्ट गाड़ी हमारी भैया सेंट्रो, सेंट्रो है जो कि ब्लैक कलर की है। ओके, ये कौन से का मॉडल है? 2006 मॉडल है। ओके भैया, अगर इसके फंक्शंस की बात कर ले तो आगे के दो पावर विंडो है खाली? दो पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग मिलेगी, AC हीटर मिलेगा। ओके, और बाकी सीट कवर्स? सीट कवर वगैरह तो सब चढ़े मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके भैया, ये गाड़ी भैया पूरी रीपेंट है कि खाली बम्पर्स पेंट है? अगला पिछला बम्पर है और स्लेटिंग है बस, साइड्स पेंट है। ओके भैया, UP 32 नंबर की ये भी गाड़ी है, ये कितनी चली हुई है? ये आपकी चली है 85,000। 85,000 जी। ओनरशिप फर्स्ट ओनर हुई है। ओके, इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो क्या जाती है भैया? इसकी मेंटेनेंस अगर बाहर कराएंगे तो लगभग आपके 3-3.5 का खर्चा आएगा, अगर कंपनी लेंगे 5,000 का खर्चा आता है। 5,000 का जी। ओके, इसमें आपकी LPG लगी हुई है। LPG है इसमें जी। ओके, और ओनरशिप इसकी क्या है? ओनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है आपका, मैक्सिमम गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर होंगी? फर्स्ट ही ओनर ज़्यादा होती है मेरे पास गाड़ी, सेकंड ओनर बहुत कम मिलती है। ओके, और अवेलेबल कितने में है ये? डिमांड इसकी 1,00,000 है, बाकी जब सामने बैठेंगे 10-15,000 की जो 1,00,000 में भी कम हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट भैया हुंडई की i20 है, एक्टिव जी, टॉप मॉडल था भैया ये, टॉप मॉडल है। ओके, कौन सी ईयर का मॉडल है ये? 2015 मॉडल है, 2015 का मॉडल है। कितनी चली हुई भैया? 75,000। ओके, ओनरशिप इसकी क्या है? ओनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है, और फंक्शन से तो ये पूरी लदी हुई है भैया, चारों पावर विंडो है, पीछे भी AC है और आगे भी AC मिल जाएगी, ऑटो फोल्ड साइड मिरर मिल जाएगा और टर्निंग इंडिकेटर भी उसी में मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स भी भैया। ओके, पेट्रोल है कौन सी है? डीजल है जी। ओके, UP 32 नंबर की ये भी गाड़ी है, और ओनरशिप इसकी फर्स्ट है, ओनरशिप फर्स्ट। अवेलेबल कितने में है? डिमांड इसकी 5.5 की है, 5.5 लाख। न्यू में कितने की आती है भैया? न्यू में आ रही है 8,80,000 की, 8,80,000 की। ओके, 5.5 इसकी डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट गाड़ी हमारी टाटा की जेस्ट है भैया। ओके, चलिए वो भी दिखा देते हैं, डार्क ग्रे कलर की है। ये कौन सी ईयर का मॉडल है? ये 2016 मॉडल है, 2016 का मॉडल है। ओके, डीजल वेरिएंट? हाँ। ओके भैया, इसका माइलेज कितना आ जाता है? इसका माइलेज आपको 24-25 का है, हाईवे पे कि सिटी के अंदर? सिटी में 20 का है, सिटी में 20 का है जी। ओके, चली कितनी हुई है? चली ये आपकी 79,000 है, 79,000। इसके मेंटेनेंस कितनी आती है भैया टाटा की? इसकी मेंटेनेंस थोड़ी हाई होती है, इसके जो अगर बाहर करवाएंगे आपको 4-5 हज़ार का पड़ेगा, कंपनी में जाएंगे आपको 8,000 के आसपास पड़ता है, टाटा जेस्ट की भैया। ओके, और इसके बम्पर पेंट है भैया? इसमें भी अगला पिछला बम्पर और साइडें होती हैं, थोड़ा साइड पेंट है जी। ओके, ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट है। इसमें फंक्शन कौन कौन से मिल जाएंगे? फंक्शन आपको 2 पावर विंडो, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग सब मिलेगी इसमें। ओके, वेरिएंट कौन सा है भैया? सेकंड टॉप है, सेकंड टॉप जी। ओके, और अवेलेबल कितने में? ये आपको थोड़ी डिमांड है 3.5 की, बाकी 10-15 हज़ार की छूट हो जाएगी इस पर, 3.5 और इसमें भी कम हो जाएगा। न्यू में कितने की आती है? न्यू में ये आ रही है 8 कुछ की है, 8 के लगभग है, 3.5 इसकी डिमांड है जी, ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी भैया? नेक्स्ट गाड़ी आपको वैगनार दिखा दे रहे 2008 मॉडल। ओके, नेक्स्ट गाड़ी मरून कलर की है भैया। ओके, ये कौन से का मॉडल है? 2008 का है, वैगनार है जी। मॉडल कौन सा भैया? टॉप VXI है, टॉप मॉडल VXI। ओके, UP 32 ये भी है जी।
इसमें कोई काम भी है? पूरी क्लीन कंडीशन में दिख रही? कोई काम नहीं है, जो काम था इसमें सब ओके है। अगला बिल्ला बम्पर पेंट है, बाकी सैटे चप है। ओके, बाकी मतलब खाली ले जाना है गाड़ी और कुछ नहीं करना? चलाने चलाने है आपको, और कुछ कराना नहीं है इसमें। ओके, इसमें भी फंक्शन कौन कौन से मिलेंगे? इसमें आपको दो पावर विंडो, एसी हीटर और फिर बाकी सीट कवर वगैरह सब लगे हुए हैं इसमें। ओके, कंपनी फिटेड सिस्टम भी है जी। ओके, टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे? टायर इसमें लगभग 40-50% वाले हैं। 40-50% है। अभी ये कितने चल जाएंगे? ये अभी आपके 50-60,000 चलेगा टायर। 50-60,000। ओके, ये कितनी चली हुई है भैया? ये आपके चली है 80,000। 80,000 जी। ओके, ओनरशिप इसकी क्या है? ओनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर है जी। ओके, और ये अवेलेबल कितने में ये है? डिमांड 1.5 लाख की है, बाकी 10-15,000 की छूट है इसमें। 1.5 लाख पेट्रोल या डीजल? VXI आपने बताया, पेट्रोल जी। CNG या कुछ लगी हुई LPG? खाली पेट्रोल है, ओनली पेट्रोल है। ओके, नेक्स्ट गाड़ी हमारी पोलो है भैया, जो कि व्हाइट कलर की है, 12 मॉडल। ओके, नेक्स्ट पोलो है भैया व्हाइट कलर की। जिसकी भी गाड़ी थी भैया, उसको रेसिंग का लगता बहुत शौक था, अलॉय व्हील लगवाया, ग्राफिक्स लगवाया है, उसकी तो एक शौक थी, अपने शौक उसने अदा कर लिया, बाकी चीज अच्छी है वो भी। ओके, इंजन से भी सही होगी? इंजन से फर्स्ट क्लास है, इंजन की पूरी 100% गारंटी मेरी हुई है। ओके, और बाकी रूफ पे आप लोग को रैपिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर की, और यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिल जाएंगे, अलॉय व्हील भी भैया आफ्टर मार्केट है ब्लैक कलर के। टायर भैया कंपनी के ये कि ये भी बाद के लगे हैं? नहीं, ये सब बाद में लगे हैं, ये सब चारों भी नए टायर हैं। चारों नए टायर हैं जी। ओके, ये कितनी चली हुई है भैया? ये आपकी 80,000, ये भी चल गई है। 80,000 2012 का मॉडल है जी। पोलो कौन सा है मॉडल भैया? ये सेकंड टॉप है। सेकंड टॉप है जी। ओके, ओनरशिप इसकी क्या है? ओनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर है जी। इसके भी जो मिरर्स है ऑटो फोल्ड है? नहीं, ऑटो है, ऑटो फोल्ड है। ओके, और बाकी और फंक्शन कौन कौन से मिल जाएंगे? बाकी आपको एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब है। ओके, एयरबैग कितने? एयरबैग दो होते हैं फ्रंट। दो एयरबैग फ्रंट के जी। और रियर एसी इवेंट है? रियर एसी इसमें नहीं है। एसी नहीं है जी। ओके, और फॉग लैम्प भी आपको इसमें मिल जाएगी। और आस्किंग भी क्या है इसकी? इसकी डिमांड जो हम लोग रखे हुए 3,50,000। 3,50,000 जी। ओके, न्यू में कितने की है? न्यू में 8,80,000 कुछ की, ये भी पढ़ ली थी, और बाकी इसका टॉप मॉडल 9,80,000 का है। 9,80,000 का है। और 3,00,000? 3,50,000। 50,000 2012 का मॉडल। नेक्स्ट गाड़ी हमारी इको स्पोर्ट है भैया, जो कि फोर्ड की है जी। ओके, ये 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है। आप लोग को इसमें ग्रिल भी कुछ क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी, आप लोग देख रहे हैं, और इसमें भी क्रोम किट नहीं लगी हुई है। इसमें क्रोम किट नहीं लगी हुई, बाकी आपको इसमें आपको अराइवल मिलेंगे कंपनी फिटेड, बाकी आपको इसमें 6 एयरबैग मिलेंगे। ओके, बाकी अंदर सब वही चीज़ जो कंपनी देती है, सब टॉप मॉडल में वही चीज़ें हैं इसमें। ओके भैया, टॉप मॉडल है, सीट आफ्टर मार्केट लगी है, अभी जल्दी लगी है जी। ओके, आपने बताया 6 एयरबैग्स हैं जी। ओके, कहाँ कहाँ पे भैया? दो आगे होते हैं, बाकी दो पीछे सीटों पे होते हैं, फिर बाकी पीछे फोल्ड पे होते हैं। ओके, और बाकी इसमें भी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि टॉप मॉडल है टाइटेनियम जी। ओके, UP 32 नंबर की ये भी गाड़ी है, फॉग लैम्प इसमें भी आपको मिल जाएगी। कितनी चली हुई है भैया? ये आपकी चली 64,000। 64,000 जी। ओके, ओनरशिप इसकी क्या है? ओनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर है जी। और बॉडी लाइन से भी पूरी ओरिजिनल है? भैया पूरी ओरिजिनल है, थोड़ा बहुत इसमें भी कहीं कहीं टचअप, अगला पिछला बम्पर खाली हुआ है बस। ओके, अवेलेबल कितने में है ये? डिमांड इसकी 6.5 की है। 6.5 न्यू में कितने की आती? न्यू में ये 12 कुछ की है। 12,00,000 प्लस जी। ओके, आपने बताई 6.5 जी, इसमें भी कम इसमें हो जाएगा। ओनरशिप फर्स्ट है इसकी। ओके, तो हमारी वीडियो क्या आज ये लास्ट गाड़ी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे भैया फाइनेंस अवेलेबल है? बिल्कुल है। ओके, कितने ईयर के मॉडल के ऊपर? भाई 12 के ऊपर जितना मॉडल होगा सब फाइनेंस हो जाता है, 12 से स्टार्टिंग है यहाँ पे। 12 से स्टार्टिंग है। कितनी रेंज में भैया? खाली उत्तर प्रदेश वालों के लिए, खाली लखनऊ वालों के लिए? नहीं, लखनऊ खाती उत्तर प्रदेश में जो भी अपने बलिया लिया से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं। ओके, अपने सिटी में लगता होगा उसके भी हो जाती है। ओके भैया, कितने परसेंट डाउन पेमेंट जमा करना पड़ता है? ये मान के चलिए 50-60,000 डाउन पेमेंट होता है। ओके, पेपर अगर अच्छे हैं तो भैया 50-60,000 रुपये दे के भी फाइनेंस हो जाएगा? बिल्कुल। ओके, और बाकी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग जाएंगे? डॉक्यूमेंट में हमको चाहिए होता है RTR, आधार कार्ड, पिन कार्ड, दो फोटो, बिजली का बिल और 6 महीने बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जी। ओके, और पे स्लिप जो कि गवर्नमेंट जॉब में हो? नहीं, उसकी तो फिर सैलरी स्लिप ही से काम। सैलरी स्लिप जी। ओके, और इसके अलावा RTR वगैरह नहीं है तो फिर अपनी खेती लगा सकता है। खेतौनी जी। ओके भैया, और NOC की बात कर ले तो किसी भी जिले के लिए NOC निकल जाएगी? निकल जाती है, उसके अति आपको 3,500 रुपये पड़ता है। ओके, उसमें आपको 6-7 दिन का समय चाहिए होता है। ओके भैया, अगर आप नगर लेके के जाते हैं तो उसके अगर इन खाली अगर ट्रांसफर होता है उसमें आपको 2-3 दिन का समय लेते हैं, 30 दिन आपको आपसे हैंड ओवर कर देंगे। ओके, तो आप लोग को पूरी डिटेल दे चुके हैं, तो अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं।
चाहे प्री ओन्ड कार्स का हो, चाहे प्री ओन्ड बाइक्स का हो, चाहे प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल का हो। और आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। और बाकी अगर कमेंट करते हैं, कमेंट पर पूछते हैं, तो मैं कमेंट का भी जवाब ज़रूर देता हूँ, लेकिन कमेंट पर जल्दी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और बाकी आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछेंगे, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।